ये कैमरा ऑन रिकॉर्ड होगा। नहीं नहीं बंद मत करो, खोलो ये बंद बंद है, बंद नहीं है। रिहर्सल कैसे रिकॉर्ड? एक तो यहाँ पी है रखी है जी। आप कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा ये मेरी है, वाह वाह। मेन कलर के लिए दो चटे बनाई हमने। बहुत सुंदर बनाया आपने मास्टर जी। कितने साल हो गए आपको? आपको हम सन 65 से काम कर रहे हैं। सन 65 से? जी हाँ। तभी तो मेरी अम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। मेरी पैदाइश तो छोड़ी है, बहुत दूर है। बटन ठीक है? बटन ये वाइट कलर ही ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये नहीं, वाइट बटन सही है। अच्छा देखिए, वाइट बटन है और धागा यही लगाया जी। डिफरेंट जब भी मजा आएगा इसको लगा दीजिए। सन 65 से बना रहे हैं। पहले हम बड़ा साहब में ट्राई करके देखिए। आप बड़े साहब में थे पहले? 71 बच्चन साहब के लिए बनाया होगा आपने उस जमाने में। देवानंद सर के लिए भी आपने बनाया। देखिए मेरे यूट्यूब फैमिली, देवानंद सर के कपड़े बनाते थे और अब हम खुशनसीब हैं आपसे बनवा रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है जी। जी वो तो सब बहुत सीनियर लोग हैं, ट्राई कर लीजिए। ट्रायल के लिए मैंने ये ट्रायल शर्ट बनाई है। ये फैब्रिक अलग से आपका नहीं है? ओ ये हमने अपने तरह से बनाई है। अच्छा बनाया। कपड़े क्या बनाते हैं वो देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल। जब मैं मुंबई में रहता हूँ अब तक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही बहुत अच्छा कपड़ा वो भी बनाते हैं, जस्ट मैन नाम सुना होगा, दिल्ली मुंबई में है। और बहुत अब तक जितनी भी कपड़े मैं पहनता हूँ सूट के, मतलब मुझे तो जनरली ऐसे ट्रैक पैंट्स पहनने की आदत है, लेकिन जब मैं पहनता हूँ तो जस्ट मैन बहुत। पर आप दिल से इसमें कपड़े पहन के आते हैं बॉडी समझ में नहीं आएगी। ये पहन के आता हूँ तो बॉडी समझ नहीं समझ में आएगी। आपकी फोटो दूसरी आई है सेट की जी, उसमें देखा मैंने, अगर तो ट्रैक जरूरी है। जी नहीं बहुत अच्छा है, बहुत आ जाए दो मिनट में फिर बनाता हूँ। मैं जस्ट मैन में बनवाता हूँ और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, लाइक अ फैमिली। ही इज धनेश भाई, बहुत ही अजीज हैं। ये वाली फोटो आपने भेजी थी ना? जी जी, ये शर्ट उनसे ही बनवाई है मैंने। यही शर्ट की देखा मैं इसमें बड़ा फर्क है ना स्टाइल में। जी 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 जी, इस टाइम थोड़ा बॉडी ज्यादा थी, अभी थोड़ा डाउन चल रही है बॉडी। ये देख के अभी लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन में सब डाउन हो गया। राइट का बढ़ा दे। यही है वो, यही है वो। नहीं नहीं, ये मेरी यूट्यूब और इंस्टाग्राम फैमिली के लिए हम यूट्यूब बना रहे हैं। देखिए लखनऊ आया हूँ मैं, कितना बेहतरीन और खूबसूरत शर्ट बनाया है इन्होंने। ये मुझे बताइए कितने साल से ये दुकान है? दिस इज मोर देन 70 इयर्स ओल्ड एंड वी आर थर्ड जनरेशन। सो वी आर बेसिकली, माई ग्रैंड फादर केम फ्रॉम रावलपिंडी आफ्टर पार्टीशन एंड देन इट वॉज स्टार्टेड बाई हिम। And now we are the third generation who is doing this business. So 70 years? More than 70 years. But इनके अब्बू जो थे ना, इनको मेरे स्कूल के कोट इनके अब्बू बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके आपके स्कूल के कोट इनके अब्बू बनाते थे? इनके अब्बू थे। अच्छा, तो 70 साल तो ऐसे ही बोल रहे हैं। इनके बाप रे। इनके दादा थे जिन्होंने खोली थी। हाँ, it was started by my grandfather. तभी third generation. बहुत अच्छा, very very, I'm very happy. It's an honor for us to have you at our store. आप लोग बहुत सीनियर है भाई, लेकिन मैं तो मुझे सैम बोल रहा था, मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब पहन रहा हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पे हाई नेक सूट करता है, क्योंकि आपकी नेक प्रॉपर है। जिन लोग का नेक शॉर्ट होता है उस पर हाई नेक नहीं देते, क्योंकि मतलब नहीं, बट यू हैव दी पर्सनैलिटी, यू हैव अ लॉन्ग नेक जी। तो ये चीज आप पे बहुत अच्छी बैठती है। हाँ मुझे भी ऐसा थोड़ा वो सही होता है, बहुत ट्रिक है ये। मैं यूट्यूब वालों को बताना चाहता हूँ कॉलर के, जरा बताइए इनको कि कॉलर के लिए आपने मुझे क्या एक्सप्लेन किया। बहुत कॉलर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस ही हैज़ अ हाई नेक, सो जस्ट टू गिव हिम अ मोर एलिवेटेड लुक, सो व्हाट हैपेंस इज कि शर्ट में हमारे पास वेरिएशंस बहुत लिमिटेड है। सो द बेस्ट वे टू एनहांस द पर्सनैलिटी एंड गिव अ लिटिल एलिवेटेड लुक इन साहिल भाई केस इज दैट ही हैज़ अ लॉन्ग नेक। तो वो हमें एडवांटेज है कि हमने यहाँ पर ब्रॉड कॉलर्स करे हैं विद डबल बटन्स, तो यहाँ पर जो इनका चिन है वो अच्छी तरीके से कवर हो रहा है। और इफ ही वेयर्स दिस शर्ट इवन कैजुअली ऑल्सो, द शर्ट इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट शर्ट, इट डजंट नीड टू पेयर इट विद एनीथिंग एल्स, वो अपने आप में ही सुंदर लगेगा। बहुत गुड टिप दे रहा हूँ मैं, मतलब मैं नहीं बात है सर। अच्छा
ये देखिए ये कपड़ा बहुत जबरदस्त है यार, मक्खन जैसा लगे। अभी मेरा क्यों नहीं दिया आपने मुझे ये? ये सर या ये लखनऊ के हैं इसलिए इनके लिए ज्यादा अच्छा माल दे रहे हैं। नहीं, आपकी भी शर्ट है, आपकी भी शर्ट इसमें बनी है, आपकी ट्राई ऑन। ये जो डाला ना आपने ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। डबल क्या बोलते हैं इसको? डबल स्टिच कर रहा हूं। डबल स्टिच बहुत अच्छा है। इनका कॉलर छोटा रखा है? इनका स्टैंडर्ड कॉलर रखा है, अगेन बिकॉज ऑफ द नेक। ओके, लो तो हम एडवाइज ही नहीं करेंगे, हमेशा हाई रहना, हाई रहना चाहिए। क्योंकि देखिए सूट एक वैसे ही बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, जितना ये एलिवेटेड होगा उतना आप जब पहनेंगे आपको कॉन्फिडेंस और आपको एलिवेशन ऑफ चेस्ट नजर आएगा। वी आर नॉट वेयरिंग अ शेरवानी, वी आर नॉट वेयरिंग एनी एथनिक, व्हाट वी आर वेयरिंग इज क्लासिकल फॉर्मल। सो द प्ले एज यू सेड द प्ले इज वेरी लिमिटेड, इट इज इन द कट्स। एग्जैक्टली, तो कट में सब कुछ पता चल जाएगा, कट में प्रॉपर यहां से शेप में होना चाहिए और जितना ये एलिवेटेड होगा उतना इट विल एनहांस हिज चेस्ट लुक, इट विल गिव दैट वाइडर लुक। बहुत अच्छा लग रहा है। ये है, this will be the final suit that we will be making for you. The try on that we are doing for you is, in a rough fabric. This is the best of the best. This is the best fabric. This is from a mill called Zenia. This is from Italy. This is one of the oldest mills in the world. One of the oldest mills in the world. दुनिया की one of the oldest mill में से ये कपड़ा आया हुआ है। और आप देखिए, मुझे पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा है, but it is. It's a beautiful suit. It's their traveler quality. The quality in itself is meant. जैसे आप ट्रैवल करते हैं, यू ट्रैवल अ लॉट जी, सो दिस पर्टिकुलर क्वालिटी बाय ज़ेनिया इज मेंट फॉर ट्रैवल पर्पस। इट रिंकल्स वेरी लेस इन कंपैरिजन, इट वोंट रिंकल एट ऑल। वरना सूट लेके जाओ फिर उसको इस्त्री करवाओ, होटल में बोलो फिर क्रश हो जाता है, फिर निकालो पहनो एंड देन एंड यू कैन जस्ट मूव। एंड दिस इज 70,000, दिस इज 75-80,000 की सूट लेंथ है फ्रॉम ज़ेनिया। 70,000 to 80,000 रुपए की सूट लेंथ है इस कपड़े की और इसका नाम है ज़ेनिया। वाओ, दैट इज वेरी गुड। तो यही मुझे दे दीजिए, पैसा तो वो ही देंगे ना मास्टरमाइंड। हाँ, जब तक वो पैसा देंगे, मैं महंगा जो सबसे हो वो मुझे दे दो सारा। डन डन, पैसा देने का काम उनका है। बहुत अच्छा, आई लव दिस। मैं एक दो बनवा लूं फिर बहुत सारे बनवाऊंगा। डन डन सर, हम तभी पैटर्न क्रिएट कर दे रहे हैं। हां, सो इवन इफ यू आर नॉट देयर यू कैन सिंपली टेल ऑन द फोन आई हैव पैटर्न, आई लाइक दिस स्टाइल मोर। सो वी हैव राइट नाउ टू ऑफ दिस, वी हैव टू ऑफ दिस, वन वी हैव गिवन यू इन ज़ेनिया, एक और है लेंथ वो भी ले आइएगा। हाँ, ब्लैक वन वी हैव गिवन यू इज अ ब्लैक स्ट्राइप, ब्लैक विद अ ल्यूरिक्स ब्लैक स्ट्राइप। हाँ हाँ हाँ, शाइनिंग वाला। हाँ, दूसरा भी ले आइए, दूसरा है। दिस इज अ सेकंड सूट, एंड द सेकंड सूट दैट वी हैव गिवन यू इज आल्सो ज़ेनिया, एंड द गुड पार्ट अबाउट इट, दिस इज अ पार्टी वेयर सूट, यू कैन वेयर फॉर योर इवेंट्स। आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतना मूव करते हैं, and it's a beautiful suit. It has a lurex, it has a black lurex. Generally kya hota hai, the lurex is of a silver color ji, lekin isme black mein hi dal diya, isme black hi lurex use kiya hai zen, halki si shine hai, matlab is there is not there, the devil is in the detail baby, not bad actually. But ye jo difference hai, jaise 70,000 80,000 rupees per suit meter ye jo ban raha hai aur baki jo kapdon mein hai, तो उसमें क्या सिर्फ आयरन का फर्क होता है या नहीं? इट्स सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ द वूल। वंस वी आर गिविंग यू एन इटालियन फैब्रिक, इटालियन मिल्स दे डोंट ब्लेंड, इंडियन मिल्स क्या करती हैं वो कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग करती हैं विद पॉलिस्टर। हम इटालियन मिल में भी जो आपको फैब्रिक दे रहे हैं वूल का, वो दे आर ऑफ हाई ग्रेड काउंट्स। वूल इज यू नो लाइक मेजर्ड बाई काउंट, 120s, 140s, 180s। ओके, सो ज़ेनिया का जो हम आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं, दिस इज टेक्निकली 160 काउंट प्लस, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। That's really top of the class top in the world. Top of the class, and there's a lot of backward integration in this. मतलब कि जब आप क्या होते हैं, once you're looking at absolute supreme thing, तो उसके पीछे की making भी वैसी है। जैसे जो ज़ेनिया है, they have their own sheep houses in Australia. So they have a particular kind of sheep, a particular kind of food is given to it. So every year, that kind of particular... जो वो खाएगा, वैसा उसका wool बनेगा। वैसा बनेगा। Exactly, मैं यही बोलता हूँ। So what you are from inside, वो दिखता है बाहर। वो दिखता है। Same case आपका जैसा। आप जो मेहनत कर रहे हो आपकी पर्सनालिटी पे एंड बॉडी पे पूरी दिख रही है। सो दैट्स द होल थिंग, सो दैट इज व्हाई दीस मिल्स, इवन आप मेरे से 3 साल बाद आएंगे, आप मुझसे कहेंगे मुझे ट्रैवलर देना, ब्लैक देना ज़ेनिया का, इट इज द सेम ब्लैक डाइंग, इट इज द सेम ब्लैक कलर, एंड इट इज द सेम सॉफ्टनेस फील, एवरीथिंग इज द सेम, बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम काइंड ऑफ वूल, गेटिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम द शीप। नहीं, मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी ये 2 दे दीजिए, 6 शर्ट दे दीजिए और बाकी के ले लीजिए, जैसे मैं पहनता हूँ उसके बाद मैं वापस आता हूँ। इसमें ऑप्शंस और आने वाले हैं? अभी वील देयर इज अ न्यू कलेक्शन दैट विल बी कमिंग। जैसे कलेक्शन आएगा आप मुझे बोलिएगा, मैं मुंबई से फ्लाई करके इधर आऊंगा लखनऊ। इट विल बी ऑन आई जस्ट वांट टू
क्योंकि मैं क्या बहुत विजुअल पर्सन, मुझे आंखों से जो दिखता है मुझे वो उस पे यू नो, सो आई विल जस्ट कम ओवर एंड विल मेक मोर आई आस्क सैम टू मेक मोर ऑफ दिस. बता दीजिए. सो व्हाट आई वाज टेलिंग साहिल भाई कि हमने इंस्टेड ऑफ मेकिंग द फाइनल गारमेंट फॉर हिम, वी हैव मेड अ ट्राई ऑन गारमेंट फॉर हिम. द रीजन इज ये जो मैं पहना हूं ये एक्चुअल कपड़े नहीं है, ये ट्रायल है. जब इसमें बनेगा गलतियां होंगी. सो जो ट्राई ऑन है उसको पहनाने में हमें ये पता लगा कि टेलरिंग इज नॉट ऑल अबाउट, मैं कह रहा था साहिल भाई से, टेलरिंग इज नॉट ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, इसमें फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिगरेशन इन द सेंस, नाउ वंस वी हैव मेड हिम वेयर द ट्राउजर, सो वी आर रियलाइजिंग कि सिंस ही इज जिमिंग, ही हैज अ जिमिंग बॉडी, सो ही हैज लेस मसल हेयर एंड ही हैज मोर मसल ऑन द थाई. सो नाउ दिस हैज़ टू बी वाइल वी डू दी ट्रायल्स, वी हैव टू कीप इन माइंड कि गारमेंट यहाँ से फंसे नहीं, वी हैव टू मेक श्योर इट फॉल्स प्रॉपरली, ये ऐसे टाइट हो जाता है. सो व्हाट अमाउंट, बॉडी डाउन चल रही है, व्हाट अमाउंट ऑफ ईज हैज़ टू बी गिवन, एट व्हाट पॉइंट, कहाँ से हमें श्रिंक करना है, कहाँ से हमें स्ट्रेच करना है, दैट विल ओनली कम आउट वंस ही वेयर्स दी गारमेंट. एंड दैट इज व्हाई वी डोंट मेक सूट्स ऑन द फाइनल गारमेंट और शर्ट्स, क्योंकि एक बार हमने फाइनल गारमेंट को छेड़ लिया तो करेक्शन नहीं हो. ये सैंपल गारमेंट आप बनाते हैं, पहनाते हैं, और उसके बाद जब इसमें गलतियां निकल जाती हैं फिर इसको गिव अवे करते हैं, और फिर एक्चुअल सूट क्योंकि बहुत महंगा था ना वो 80,000 रुपये मीटर, तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. एंड प्लस दैट इज फिर वो रेडीमेड और हमारे में फर्क क्या रहा, इफ यू हैव बिल्ड योर बॉडी द कस्टम मेड का मतलब, बिकॉज यू आर कस्टम मेड, योर पर्सनालिटी इज मेड बाय यू, so why would you wear a ready made thing, you would wear something that is made for enhance aur kare khoobsurti ko, that is specially made for you. ji ji thanks. ye batayega aapko aisa baithe aisa masa hai abhi abhi to bahut taange meri patli hain, thodi murghi type mujhe ye lag raha hai ki phas jayegi trouser yahan se, lekin ye jab main shuru karunga to ye thoda sa badh jayega, ye fold jayega mask, ye pin hai hota hai wo lagwa lo, main bhi ek mangwa raha hu. aap agar meri raay mane ji, you just increase your beard sir. अभी तो इंक्रीज इन योर शेप, अरे बढ़ाया था इसने, पूछा भाई कटा दो थोड़ा सा और करते करते कुछ बची नहीं, और जब आपके पास आए तो आपने बोला थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ा लीजिए इसको तो. एंड इफ अगर आपको कोई हेयर से फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकली व्हाट आई विल एडवाइज यू, यू शुड मूव दी हेयर, दिस शुड बी मोर हेयर, आपने दोनों कान में पहन रखे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन वेयर सॉलिड हेयर आल्सो, यू हैव नेल्ड इट, चाहे आप पठानी पहनिए, चाहे जैसे ही आपका ये एलिवेट होगा द एंटायर थिंग विल गो अप. थैंक यू, क्योंकि आपकी हाइट अच्छी, अगेन एज आई सेड कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये 80,000 रुपये वाला मटेरियल वाला नहीं है ना, वही है मेरा ज़्यादा अच्छा लगेगा. मेरा भी वही है ना, इसके बाद वाला सूट ये सस्ता वाला है, इसके सस्ता कम है सर, फर्क नहीं पड़ता ना, जब साहिल भाई और सैम भाई पहने होंगे तो वो 80,000 क्या, वो 80 लाख वाला लगा. कौन पहनता है कपड़े उससे, हमने कैसा भी बनाया हुआ वो कोई कपड़ा कितने का इंपॉर्टेंट नहीं, आपने पहना है ना, मैं तो 200 रुपए की गंजी टी शर्ट पहन के भी चला जाता हूँ कहीं भी, तो वो गंजी बिकने लगती होगी ना सर पे, तो ये भाई ऐसा कुछ भी पहन लेते हैं हम लोग. ये दोनों देखिए, पर समझ नहीं आ रहा ब्राउन और सर. ये दही लेके जाएंगे, ये दोनों, वाह 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 क्या बात है, ये साउंड ही नहीं है सर. ये देखिए क्या बनाया है, ये सीखा किससे आप, ब्राउन ब्लैक वाह, मेरे दो अनमोल रतन, इनको देखिए, ये क्यों किया आपने ऐसा, सब्सक्राइब बनीज चैनल. बनी आप भी वही कर रहे हैं, ऐसा बनाओगे सर्कल, तो ये 8 है ठीक है, 8 बन गया, देखो अभी नहीं देखना, मेरे को दिखा दिया कर उसका काम सही नहीं है. अरे सर हाथ से 8 नहीं बनाना, बोला हाथ से गोल करना है पैर से 8 हो गया, ये 8 करते हुए ये ऐसे चलता रहना चाहिए, ये ऐसे हाथ सर्कल और पैर 8, सिर्फ हाथ से 8 नहीं बनाना है, नहीं और आसान है करो. ये क्या बना दिया मैंने,
नहीं नहीं मतलब ये सर्कल है। एक मिनट जो ऐसे ऐसे नहीं नहीं, 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 नहीं कैमरा ऑन रिकॉर्ड होगा। नहीं नहीं बंद मत करो, खोलो ये बंद बंद है, बंद नहीं है। रिहर्सल कैसे, कोई रिहर्सल नहीं हुआ। ये हाथ से आप गोल 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 करो, ठीक है, हाथ से बनाते रहो और पांव से ये एट हो गया, करेक्ट सर। एक मिनट पांव ये एट कहां हुआ, एक मिनट। अच्छा इंग्लिश में एट कैसे लिखते बताओ। ये हुआ एट, ठीक है। बस तो ये से ही पांव से एट कर दो और हाथ से गोल गोल करते रहो ऊपर, दिखाओ करो। ये ऐसे जीरो कर, बस जीरो जीरो, हाँ जीरो जीरो, और नीचे पांव से एट, जीरो बनाना है और पांव से एट। देखा वापस आ गया ना, हो गया ही नहीं कभी, क्योंकि ब्रेन एक टाइम एक चीज सोचता है ना, वो या ये इसका सिग्नल लेगा या उसका सिग्नल लेगा।